हाउ टू डाउनलोड आधार कार्ड विथ फुल नंबर। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। मेरा आज का वीडियो आधार कार्ड से जुड़ा है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फुल नंबर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप सभी के लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ जो आप सभी के लिए बहुत काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, आधार कार्ड को लेकर काफ़ी सारे अपडेट हम लोगों के बीच आ चुके हैं। अब आधार कार्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो इसी अपडेट को जारी रखते हुए आधार कार्ड की वेबसाइट पर हमको दो तरह के आधार कार्ड देखने को मिल रहे हैं। एक में हमारा पूरा नंबर आता है जो हमारा आधार नंबर होता है, और एक में हमारे काटे काटे का निशान आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो कुछ इसी तरह के आधार कार्ड अब लोगों के डाउनलोड हो रहे हैं। उनके मेरे पास फोन आते हैं कि सर हमने आधार कार्ड डाउनलोड किया लेकिन उसमें हमारा नंबर पूरा नहीं है, तो हम इसे कैसे डाउनलोड करें, कैसे अपना पूरा नंबर प्राप्त करें। तो आज मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपना पूरे नंबर के साथ अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीधा मैं आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ और वहां मैं लिखूंगा आधार कार्ड। ये मैं गूगल पे आ चुका हूँ और मैंने यहाँ आधार कार्ड लिखा। आधार कार्ड लिखते ही सबसे टॉप पर ही देखो आधार कार्ड की वेबसाइट आ चुकी है। तो यहाँ से मैं आधार कार्ड की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। ओपन होने के बाद आपके सामने देखिए एक ऑप्शन आता है डाउनलोड आधार, तो आप सीधा यहाँ क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाता है। मैं फिलहाल इस पॉपअप को क्लोज कर रहा हूँ। देखिए हमारे सामने कुछ इसी तरह का पेज ओपन होता है। जब आप इसे ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये इनरोलमेंट आईडी पे ही सेट होता है, लेकिन कुछ लोग इसे आधार के माध्यम से भी डाउनलोड करना चाहते हैं और कुछ के पास में इम्प्लॉयमेंट आईडी होती है तो वो उसके आधार पर इसको डाउनलोड करते हैं। तो मेरे पास में जो मेरा आधार नंबर में तो मैं उसी के माध्यम से इसको डाउनलोड करूंगा। तो मैं सीधा यहाँ आधार वाले ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ। आधार वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने दो कैटेगरी यहाँ दिखाई दे रही है, रेगुलर आधार और मास्क आधार। तो बाय डिफॉल्ट देखिए ये मास्क आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो रखा है। तो जब आप अपना आधार डाउनलोड करते हो तो आपका कुछ इसी तरह का आधार डाउनलोड होता है, जिस तरह का आधार आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यानी जो आपका आधार नंबर है उस पर काटे काटे का निशान होता है और लास्ट की केवल आपको नंबर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि भाई जो आपका आधार नंबर है वो पूरा दिखाई दे, तो आपको यहाँ रेगुलर आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जब आपका आधार डाउनलोड होगा तो फुल नंबर के साथ डाउनलोड होगा। तो मैं आपको पहले मास्क आधार वाला डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको रेगुलर आधार डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ मैं अपना आधार नंबर और फुल नंबर डाल के पिन कोड डाल के सीधा सिक्योरिटी कोड डाल के इसे डाउनलोड करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने अपनी सब डिटेल फिलअप कर दी है। अब मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो मैं सीधा यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं ऐसे ओटीपी डाल रहा हूँ। ओटीपी डालने के बाद सीधा डाउनलोड आधार पे क्लिक कर रहा हूँ। डाउनलोड आधार पे क्लिक करते ही मेरा ये आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये अभी जो नंबर आ रहा है ये आपको यहाँ एक्सेस में दिखाई दे रहा है, यानी जो मैंने आधार कार्ड डाउनलोड किया उसमें जो मुझे नंबर दिखाई देंगे वो कुछ इसी तरह के दिखाई देंगे, केवल लास्ट के चार नंबर मुझे दिखाई देंगे, बाकी सब जगह आपको एक काटे का निशान दिखाई देगा। मैं आपको इसको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड का यहाँ पासवर्ड डालना होता है। आधार कार्ड का पासवर्ड जो आपका नाम होता है उस रूप के चार वर्ड कैपिटल है। उसके बाद आपको बर्थ ईयर डालना होता है, तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने पासवर्ड डाल के आधार कार्ड डाउनलोड कर लिया है, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ आपको ये एक्स 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 लिखा दिखाई दे रहा है, काटे का निशान दिखाई दे रहा है और उसके बाद मेरा नंबर दिखाई दे रहा है। तो आजकल जो लोग आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं उनको कुछ इसी तरह का आधार कार्ड देखने को मिल रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई हमारा ये आधार कार्ड कैसे डाउनलोड हो गया है, हम अपने फोन नंबर का आधार कार्ड किस तरह डाउनलोड करें। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको फोन नंबर का आधार कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ मैं आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ रेगुलर आधार पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मुझे यहाँ अपना आधार नंबर डालना है, फिर फुल नेम डाल के सीधा ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो इसको मैं पेज को यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैं यहाँ दोबारा से सब कुछ करता हूँ। ये देखिए अब मैं आधार पे क्लिक कर रहा हूँ और देन रेगुलर आधार पे क्लिक करके अपना आधार नंबर डाल के दोबारा से ओटीपी मंगाता हूँ, उसको दोबारा से डाउनलोड करता हूँ।
ये देखिए यहाँ मेरा OTP आ चुका है, मैं सीधा डाउनलोड आधार पे क्लिक कर रहा हूँ। डाउनलोड आधार पे क्लिक करते ही मेरा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं यहाँ से शो ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ मेरा पूरा नंबर दिखाई दे रहा है और यहाँ केवल काटे का निशान दिखाई दे रहा है। तो अब जो मेरा आधार कार्ड डाउनलोड हुआ है वो फुल नंबर के साथ डाउनलोड हुआ है, मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ मैं आधार कार्ड का पासवर्ड डाल देता हूँ। ये देखिए यहाँ मेरा पूरा नंबर आ चुका है। तो आप इस तरह बहुत ही आराम से आधार कार्ड की वेबसाइट से फुल नंबर का आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे आपको रेगुलर आधार पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ क्लिक कर देते हैं तो आपका जो आधार कार्ड डाउनलोड होगा वो फुल नंबर के साथ डाउनलोड होगा। बाय डिफॉल्ट ये मास्ट आधार पे क्लिक रहता है, तो आप इस पे से क्लिक हटा के सीधा रेगुलर आधार पे क्लिक करें और फुल नंबर के साथ अपना आधार कार्ड डाउनलोड करें। तो जिन लोगों को ऐसी समस्या आ रही थी वो मेरा वीडियो देखने के बाद बहुत ही आराम से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अपने फुल नंबर के साथ में। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आराम से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसी परेशानी आ रही है, वो अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं लेकिन उनको पूरे नंबर के साथ अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने को नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा वीडियो देखने के बाद वो बहुत ही आराम से अपना आधार कार्ड फुल नंबर के साथ डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।